नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, मित्रों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, खुशखबरी सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों ऐसी खुशखबरी आपको बाद में नहीं मिलेगी। अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया तो दोस्तों बाद में पछताते रह जाओगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं आज की यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में 2 बड़े ग्रह प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, जिससे आपको 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी और कई सारी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, गुरु जी जब आपका राशिफल तैयार करते हैं तो उस समय पूरी कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसके बाद वीडियो का निर्माण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आपके कुंडली में 2 बड़े ग्रह आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अच्छी चीजों की शुरुआत करते हैं तो हमारे पीछे कुछ न कुछ बुरी शक्तियां, कुछ न कुछ नकारात्मक शक्तियां जरूर पीछा करती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खुद को माचिस की तिल्ली की तरह नहीं बनने देना है, जिसमें थोड़ा सा घर्षण लगने पर सुलग जाए। खुद को वो शांत सरोवर बनाना है, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद अपने आप बुझ जाए। जी हाँ, कहने का तात्पर्य है खुद को कमजोर नहीं होने देना है। जी हाँ, लोग कभी कभी पूछते हैं कि आप कितना कमाती हैं। दरअसल उस समय लोग आपकी अंदाजा लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों कोई भी जवाब देने से पहले 100 बार सोचनी है कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जो इंसान सोच समझकर कदम बढ़ाता है, जो इंसान सोच समझकर अपने वाणी का प्रयोग करता है, उस इंसान को बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन से वो 2 बड़े ग्रह आपके कुंडली में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी और कई सारी खुशखबरियां आपके जीवन में दस्तक देंगी। दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, सभी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित है, बिल्कुल सटीक जानकारियां देंगे। दोस्तों हमारे गुरुजी बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार करती हैं, उसके लिए दोस्तों एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाएं। इससे दोस्तों भगवान महादेव जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों। जैसा कि आपने सुना है, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों आज आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत चमकेगा, क्योंकि दोस्तों आपके कुंडली में 2 बड़े ग्रह दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ, इसे मजाक समझने की गलती मत करना और ना ही हल्के में लेना। जी हाँ दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो और समय का सदुपयोग करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर ये 2 बड़े ग्रह रंक से राजा बना सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन दोनों ग्रहों को इतना पावरफुल माना जाता है, इतना दबंग माना जाता है कि ये जिसके भी कुंडली में विराजमान हो जाती हैं उनका किस्मत चमकना, उनका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बेरोजगारी की समस्या से दर दर भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन लोगों को अब ये 2 ग्रह बहुत मददगार साबित होने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आने वाले अगले 24 घंटे आपको लोगों से नहीं उलझना है। जी हाँ, लोग कुछ भी कहे फिर भी आपको शांत रहना है। जी हाँ दोस्तों, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। जीवन में अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि इस दुनिया में निंदा करने वालों की कमी नहीं है। जब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लोग आपको पीछा खींचने का भरसक प्रयास करते हैं। जी हाँ, लोग चाहते हैं किस तरह से आपको नीचे गिराया जाए ताकि आप उनसे पीछे हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर एक खास बात यह है, आप हार नहीं मानते हैं। जी हाँ, आप अपने जिद पर अड़े रहते हैं और यही जिद आपको अपने जीवन में सबसे आगे लेकर जाती है। जी हाँ, एक दूसरे के सामने हाथ फैलाना आपको अच्छा नहीं लगता है, एक दूसरे से भीख मांगना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर की हालातों में काफी सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। लेकिन अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़े समय के लिए रुकना होगा। जी हाँ, जैसे कि दोपहर के बाद शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन नए कामों की शुरुआत करने अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना है, और अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार व्यक्ति है तो आप उनसे भी सलाह मशवरा ले सकती हैं, आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, एक के बाद एक जरूरी शुभ समाचार सुनने को मिलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। जी हाँ, अगर आप एक दूसरे के भरोसे पर कोई भी काम अधूरा छोड़ेंगे तो वह काम अधूरा ही रह जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों, आज आप जो भी काम शुरू करें उसे आज ही खत्म करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों समय अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में किया गया कार्य आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपको अपनी स्थिति, विशेषकर वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानना होगा, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और परिजनों की भी बात सुननी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप अपने मन से कुछ भी कर देते हैं जिसका खमियाजा आगे चलकर आपको दिक्कत और परेशानी देती है। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से इस समय की अपनी स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का जायजा अपनी मानसिक दृष्टि से ले सकती हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख लें, जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दें, और बेहतरीन समय पाने के लिए आप जो जो कदम उठा सकती हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर आने अपने समर्थ रखें। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा भोजन सहित स्वास्थ्यकर खाना खाने की कोशिश करें, इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, फिटनेस रहेगा। जी हाँ, और अगर आपको समय मिलता है तो आप कुछ समय जिम में भी व्यतीत कर सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और भी बेहतर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथी खुशी बांटकर इस एहसास को वापस कर सकती हैं। आपको अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक साथ बाहर भोजन कर सकती हैं, अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलवाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको ये याद रखना है कि धीमी और स्थिर अतः दौड़ को जीतता है। जी हाँ दोस्तों, कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचानने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज आप
बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये महत्वपूर्ण की है कि आप अपनी अनिश्चितता को छुपाए रखें, भ्रम की अपनी भावनाओं को छुपा कर रखें, अन्यथा लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे और आप एक महत्वपूर्ण समझौते से हाथ धो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका भाग्य भी ठीक रहे और गतिमान रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप में क्षमता है लेकिन आप में विश्वास की कमी झलक रही है जिससे दूर करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करनी है। जी हाँ, अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आप जो भी काम शुरू करें उसे आज ही खत्म करने का प्रयास करें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। दोस्तों अगर जानकारियां अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए तैयार करती हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, धन्यवाद।